उस तो बाद मैं धन भी चाहिए, उस तो बाद मैं गड्डी भी चाहिए, मैं सोना घर भी चाहिए। मंग साड़ी कदे खत्म नहीं होती, कदे नहीं होती, क्योंकि दुनिया भी जो तो असि जो कलयुग रूपी संसार विच रह रहे हैं ना, कि कलयुग की मार है। क्योंकि जिस वेले उस रब दा शुकराना करना चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए, उस वेले असी आराम करना जा अपने परिवार के मेले में जुड़ जाते हैं, भुल जाते हैं कि जिस रब ने सानू इन्ना कुछ बख्शी किया असी उसका भी शुकराना कर, असी उसका भी नाम जपना। कहते वाहेगुरु सिमरन जो आप करिए ना तो तुसी इतने नहीं कर सकते, वो गल वक्री, क्योंकि जिन्होंने गुरु की सिक्ख्या लई है वो इतने कर सकते, वो बाणी पढ़ सकते हैं, पर जिहड़े नहीं कर सकते वो श्रवण कर सकते हैं। कई श्रवण करन दा भी समा नहीं मिलता, इत बहुत ही सौखा तरीका है मूल मंत्र का जाप करना, कि वो भी नहीं कर सकते, सब तो सौखा जे वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन का जाप करिए ना, एक घंटा ना करके आधा घंटा करता, आधा घंटा ना करके दस मिनट करिए, दस मिनट ना करके फटाफट पाँच मिनट तक करिए। कहते ये करी आधी करी आधी होते आ, क्यों ना जपिए ऐसे गुरु वाहिगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा का नाम क्यों ना जपिए, जिन्होंने सानू ये सोहना शरीर बख्शी दिता। गुरु प्यारे अपने आप को सीसी में झांकी मार के देखिए ना, कदे उस मजबूर लाचार बंदे को देखियो जिन्हों के हाथ ही नहीं, जिन्हों के अंखा ही नहीं, जिन्हों के पैर नहीं, कितने मंदिर के बाहर कितने सड़क से रोड़ा के फुटपाथ पर पड़े होंगे ने भीख मंगते हैं, उन्होंने वेख के जज किया करो, क्योंकि उन्होंने वेख जो आप जज करांगे ना फिर असी साडे कोल सब कुछ सोहना परिवार सिर ते सोनी छत ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨਤ ਅਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਰਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ
Thank you.